23 नंबर क्या कह रहा है, सो डेट ए, देखिए यहाँ पर ए जो है सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, यानी कि ये इसका रूट होगा और फिर हमें ए इनवर्स भी निकालना है। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 1 इक्वल टू में 0, तो हमारे पास यहाँ पे पुट कर देना होगा x के प्लेस पर ये, क्योंकि ये a इसका रूट दिया है। ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस का 12a और प्लस का आइडेंटिटी इक्वल टू में 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए तो अब इसका LHS लेते हैं और इसमें रखेंगे वैल्यू, इसको सेटिस्फाई करेगी नहीं देखते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर यानी देखिए 6576 और इंटू में फिर से 6576, ठीक है, माइनस 12 ए मैट्रिक्स है 6576 और प्लस में आइडेंटिटी 1001। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और में फर्स्ट कॉलम से 36 और प्लस का यहाँ पर 35, ठीक है, सेकेंड और में फर्स्ट कॉलम से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 42 और प्लस का यहाँ पर 42, फर्स्ट रो में सेकेंड वाले कॉलम से तो 30 प्लस का 30, ठीक है, 30 और प्लस का 30। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर इसके बाद हम लोग करेंगे सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से तो 35 और प्लस का 36 माइनस, यहाँ देखिए 12 हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर 72, ठीक है, 72 यहाँ पर आपका हो जाएगा 60, यहाँ पर 84 और यहाँ 72 प्लस यहाँ 1001। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो चलिए यहाँ पर देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 71, 60, 84 और यहाँ हो जाएगा आपका 71, ठीक है, और माइनस 72, 60, 84, 72, ठीक है, प्लस 1001, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस 1000 माइनस 1, ठीक है, और प्लस का यहाँ है 1001, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट 000 नहीं हो जाएगा, तो ये आपका एक जीरो मैट्रिक्स हो गया। तो जब ये जीरो मैट्रिक्स हो गया, जब ये जीरो मैट्रिक्स हो गया, देयरफॉर हम लोग यहाँ दिखा दिए ना कि ए स्क्वायर माइनस 12a और प्लस आइडेंटिटी जो है जीरो मैट्रिक्स हो रहा है, हैंस यहाँ लिख सकते हैं, हैंस यहाँ लिख सकते हैं कि a इक्वल टू जो आपके पास 6576 दिया है ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब हम लोग a इनवर्स निकाल के लिए इसका यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू में ए इनवर्स माइनस 12 ए इंटू में ए इनवर्स प्लस आइडेंटिटी इंटू में ए इनवर्स इक्वल टू में 0 मैट्रिक्स इंटू में ए इनवर्स। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग जानते हैं ए में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, और आइडेंटिटी में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स आता है, यहाँ ए हो जाएगा माइनस 12 आइडेंटिटी और प्लस का यहाँ ए इनवर्स और इक्वल टू में 0 मैट्रिक्स, इन दोनों को उधर भेजते हैं तो ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, तो 12 आइडेंटिटी माइनस ए के, तो यहाँ ए का वैल्यू ऊपर देख लीजिए क्या है 6576। चलिए अब आगे देखते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू में 12 इंटू आइडेंटिटी 1001 और माइनस ए का वैल्यू 6576। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 12 में हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और माइनस यहाँ पे है आपका 6576, तो यहाँ से ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस 5 माइनस 7 6, यही आपका ए का इनवर्स आ गया। समझ गए, तो देख रहे हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके बाद